छतरपुर में बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर देखने को मिली, जहां सांसद वीरेंद्र खटीक ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की कार्यशैली से नाराज होकर पीएम मोदी से शिकायत की, तो वहीं भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने कहा कि यदि सांसद को कलेक्टर से शिकायत थी तो मध्य प्रदेश के सीएम से करनी चाहिए थी। छतरपुर में बीजेपी के नेताओं में गुटबाजी सामने आई है। ताजा मामले में बीजेपी के टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक और बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति आमने सामने आ गए। पीएम मोदी से कलेक्टर की कार्यशैली से नाराज होकर शिकायत करने पर अब बीजेपी में दो फाड़ हो गए हैं। जिले के इकलौते बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने सांसद पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सांसद को कलेक्टर के खिलाफ किसी तरह की शिकायत थी तो उन्हें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान या फिर संगठन से शिकायत करनी थी, पीएम मोदी तक इस बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पत्राचार के अनुसार से पता चला है कि आप लोगों के द्वारा ही पत्रिका पीपल्स में किसी पत्रिका में छपा हुआ था कि उन्हें सांसद जी ने शिकायत की है। मुझे नहीं लगता कि सांसद जी को पहले यहाँ के अपने सीएम साहब से बात करनी चाहिए थी, उनसे बात संगठन में बात कर करके फिर बाद में, ये तो अपने सरकार है, अपनी सरकार की यदि हम ही बुराई करेंगे। उनने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री जी की वीसी थी, तो मुख्यमंत्री की वीसी में जाना मुझे आवश्यक था प्रोटोकॉल के अनुसार, उनका 3 बजे से बैठक थी लेकिन 4 बजे वीसी आ गई थी। 20 मिनट के लिए मैं 20 मिनट बैठा भी उस बैठक में, जो दिशा निगरानी समिति की बैठक थी, उस बैठक में रहे भी, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड का समय है और कोविड की बैठक थी, सीएम साहब के साथ वीसी थी, तो उनको जाना। वहीं विधायक द्वारा कलेक्टर की शिकायत पर सवाल उठाने पर सांसद का कहना था कि सांसद केंद्र का प्रतिनिधि होता है और विधायक राज्य का, इसीलिए उन्होंने केंद्र से शिकायत की। बातचीत होती रहती है जी। और उसको कोई बहुत ज्यादा जो है ना इस तरह से बात करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, विधायक राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, कुछ योजनाएं उसी में केंद्र की होती है, तो केंद्र का व्यक्ति केंद्र में ही जाएगा। बीजेपी सांसद द्वारा कलेक्टर से नाराजगी की बात पर कलेक्टर ने कहा कि सांसद से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने कहा अभी उनके बीच खुलकर बात हो रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्र की योजनाओं की मॉनिटरिंग की बैठक में सांसद के पहुंचने के बाद कलेक्टर द्वारा जल्दी बैठक से चले जाने की शिकायत सांसद ने पीएम मोदी से की थी, जिसको पीएमओ ने गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर की इस शैली पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा था। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कलेक्टर के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की थी। ठीक कर जाएंगे वो कंपनी वाले यहीं पर, कोई नाराजगी नहीं, आपने देखा होगा उन लोगों की बात होती है, आप लोगों की अपना बनाया हुआ मुद्दा है, मुझे नहीं पता क्यों बनाना, मैं नहीं मानता हमारा ऐसा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।